हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैजिकल स्कूल। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान मूवी ने हमें एक ईस्टर एग दिखाया था, जहां हमें मेरोडस मैप पे न्यूट्स कमेंडर दिखता है। ये देखने के बाद आपके भी दिमाग में एक क्वेश्चन आया ही होगा कि आखिर न्यूट हॉगवर्ट्स किस लिए आया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे, इसीलिए अपने हेडफोन्स तैयार रखो क्योंकि ये मैजिकल जर्नी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको रियल लाइफ हॉरर और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स पर स्टोरी टाइप वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरोडर्स मैप एक मैजिकल डॉक्यूमेंट है जो हॉगवर्ट्स स्कूल के बारे में सब कुछ रिवील करता है। ये हॉगवर्ट्स के हर क्लासरूम से लेकर हॉगवर्ट्स के हर सीक्रेट रास्ते तक के बारे में बताता है। साथ ही ये दिखाता है कि हॉगवर्ट्स में कौन कहाँ है और किसके साथ है। ये हॉगवर्ट्स के उन सीक्रेट रास्तों के बारे में भी बताता है जो दीवार के अंदर छुपे हुए हैं। और ये मैप इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जो एनिमेगस होते हुए अपने एनिमल फॉर्म में है उनके बारे में भी और उनकी लोकेशन के बारे में ये बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। साथ ही अगर आप पॉलीजूस पोशन पीकर किसी और में बदले हुए हो और अगर आपने इनविजिबिलिटी क्लॉक भी पहना हुआ है तब भी ये आपकी लोकेशन के बारे में और आपके बारे में बिल्कुल सही तरीके से बताएगा। और इस मैप को जेम्स पॉटर, सीरियस ब्लैक, रेमस ल्यूपिन और पीटर पेटिग्रू ने मिलकर बनाया था, इसीलिए इस मैप का नाम पड़ा मेरोडर्स मैप। और प्रिजनर ऑफ अज़्काबान मूवी में फ्रेड और जॉर्ज ने हैरी को ये मैप दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं इस मैप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईस्टर एग, क्योंकि मैप में हमें न्यूट्स कमेंडर का नाम दिखता है। और ये नाम देखकर आपके भी दिमाग में एक क्वेश्चन आया ही होगा, जैसे प्रिजनर ऑफ अज़्काबान मूवी के दौरान न्यूट हॉगवर्ट्स क्यों आया था। क्योंकि फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज और हैरी पॉटर सीरीज के बीच में बहुत सालों का टाइम गैप है, जिस वजह से उस वक्त न्यूट की एज भी बहुत ज्यादा हो गई होगी। इसीलिए न्यूट का हॉगवर्ट्स में वापस जाने का कोई खास रीजन नहीं है, क्योंकि न्यूट जब हॉगवर्ट्स में पढ़ता था तब उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था। लेकिन एक थ्योरी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि न्यूट हॉगवर्ट्स में बकबिक, जो कि एक हिप्पोग्रिफ था, उसे बचाने के लिए गया था, क्योंकि प्रिजनर ऑफ अज़्काबान मूवी में हैग्रिड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स का टीचर बन गया था और उसकी पहली क्लास में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, जहां बकबिक ने ड्रैको के ऊपर हमला कर दिया था। मुझे तो लगता है कि बकबिक ने बिल्कुल सही किया, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालांकि गलती ड्रैको मैलफॉय की थी, लेकिन इसके बाद भी लूसियस मैलफॉय के इन्फ्लुएंस की वजह से बकबिक को मौत की सजा सुनाई गई। और हम जानते ही हैं कि न्यूट मैजिकल क्रिएचर्स की कितनी ज्यादा केयर करता था। वो दुनिया भर में ही इसीलिए घूमा करता था ताकि वो मैजिकल क्रिएचर्स को बचा सके और सबको बता सके कि वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। इसीलिए न्यूट को जब इस बारे में पता चला होगा कि बकबिक को मौत की सजा सुनाई गई है, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए और डंबलडोर से इस बारे में बात करने के लिए हॉगवर्ट्स आया होगा, इसीलिए उसका नाम हमें मेरोडर्स मैप पर दिखा होगा। और मैं आपको बता दूं, बकबिक एक मैजिकल क्रिएचर होने की वजह से तो न्यूट के लिए इम्पोर्टेंट था ही, साथ ही हिप्पोग्रिफ मैजिकल क्रिएचर्स का न्यूट के साथ एक डीप कनेक्शन भी है, क्योंकि जब न्यूट छोटा था और अपनी मॉम के साथ रहा करता था तो उसकी मॉम ने बहुत सारे हिप्पोग्रिफ पाले हुए थे और इसी वजह से न्यूट का आधे से ज्यादा बचपन हिप्पोग्रिफ मैजिकल क्रिएचर्स के साथ ही बीता था। और हो सकता है इस वजह से भी न्यूट बकबिक को बचाने के लिए वहाँ पर आया हो। हालांकि आपको लग सकता है कि न्यूट उस वक्त तक काफी बूढ़ा हो चुका होगा, क्योंकि फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज और हैरी पॉटर सीरीज के बीच में काफी बड़ा टाइम गैप है। और मैं आपको बता दूं, न्यूट का जन्म 1897 में हुआ था, जिस वजह से वो प्रिजनर ऑफ अज़्काबान की टाइमलाइन के हिसाब से, जो कि है 1993, उस वक्त वो 96 साल का था। और आप जानते ही हो कि जादूगर मगल से बहुत ज्यादा जीते हैं, इसीलिए 96 साल की एज जादूगरों के लिए बहुत ज्यादा नहीं होती। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इंटरनेट पर काफी सारी थ्योरीज मिल जाएंगी, लेकिन उन थ्योरीज में बिल्कुल भी दम नहीं है। बस यही थ्योरी है जो मुझे बिल्कुल सही लगती है। हालांकि आप उन थ्योरीज के बारे में भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जब बकबिक सीरियस के साथ हैरी और हरमाइनी की मदद से आजाद होकर भागता है और सीरियस की डेथ के बाद जब वो वापस हैग्रिड के पास आ जाता है तो उसको किस नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि मिनिस्ट्री से बचाने के लिए उस वक्त उसका नाम बदल दिया गया था। जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका जवाब देगा मैं उसे पिन जरूर करूंगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हैटमैन की रियल हॉरर स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देखें, और अगर आप बकबिक की लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें।